हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टेक्नोस्पार्क 10 सीरीज़ जब आई थी और मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू प्रोवाइड किया था टेक्नोस्पार्क 10 सी का, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सेल होगी क्योंकि उसकी जो शेप है वो टेक्नो ने आईफोन जैसी रख दी थी। अब टेक्नोस्पार्क 20 सीरीज़ अनाउंस हो चुकी है और ये पहली बार है कि टेक्नो ने हर साल की तरह डिज़ाइन को चेंज नहीं किया बल्कि वही डिज़ाइन इस बार फिर प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि टेक्नोस्पार्क 10 सीरीज़ इसी वजह से ज़्यादा सेल हुई थी कि उसकी शेप आईफोन से मिलती जुलती थी। और टेक्नोस्पार्क 20 सीरीज़ में उसी डिज़ाइन को थोड़ा सा और रिफाइन, थोड़ा सा और मॉडर्न करके प्रोवाइड किया गया है। टेक्नोस्पार्क 20 और स्पार्क 20 सी के फर्स्ट लुक निकल के सामने आ चुके हैं। टेक्नोस्पार्क 20 प्रो की स्पेसिफिकेशंस भी जो सामने निकल के आई हैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं, लेकिन मेनली इस वीडियो में हम टेक्नोस्पार्क 20 सी की बात करेंगे क्योंकि सबसे सस्ता वही स्मार्टफोन है और उसी में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। अब इसी प्राइस रेंज पे इसके कॉम्पिटिशन में रेडमी 13 सी भी लॉन्च होने वाला है, जिसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। पसंद आए तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले। थैंक यू वेरी मच। अब टेक्नोस्पार्क 20 सी में 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जहां पे थोड़ी सी अपग्रेड्स प्रोवाइड की गई हैं और 1 से 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे डाउनग्रेड भी किया गया है। सबसे पहले टेक्नोस्पार्क 20 सीरीज के डिजाइन की बात करें तो पहले की तरह बैक साइड पे ट्रिपल कैमराज वाला आईफोन की सिमिलैरिटी वाला डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इस बार सामने फ्रंट पे भी डिस्प्ले में एक चीज को कॉपी किया गया है। iPhone 14 में जो डायनेमिक आइलैंड आया था उसको डायनेमिक पोर्ट बोल के टेक्नो ने टेक्नोस्पार्क 20 सी और टेक्नोस्पार्क 20 में इंटीग्रेट कर दिया है। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का जो अनबॉक्सिंग है और रिव्यू है वो प्रोवाइड किया था, उसमें भी वो वाली फीचर आ चुकी है और आईफोन जैसी शेप है। यहाँ पे वो वाली वीडियो दे दूंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। वहां पे मैंने बताया था कि अब ये वाला ट्रेंड सारी कंपनीज ही फॉलो कर रही हैं, चाहे रियलमी C51 की बात करें या फिर इन्फिनिक्स, टेक्नो और रेडमी की बात कर लें। 6.67 इंचेस का HD प्लस 720p का IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अच्छी चीज यह है कि सामने नॉच को हटा के इस बार पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, तो ये पहली चीज अपग्रेड बन जाती है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का टेक्नोस्पार्क 10 सी जैसे ही टेक्नोस्पार्क 20 सी में प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा डिजाइन में अपग्रेड दूसरी यह है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डिजाइन में कलर्स को अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि इस बार गोल्डन कलर है, उसके अलावा वेलवेट लेदर में ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है और उसके अलावा आइस कलर है। अब डिजाइन और डिस्प्ले में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगी है कि सामने एटलीस्ट नॉच को हटा के मॉडर्न डिजाइन पंच होल वाला प्रोवाइड किया गया है और डायनेमिक पोर्ट अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर फीचर लगता है, यानी कि जब आप चार्जिंग करते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं तो एक अच्छी फीलिंग देता है। दूसरे नंबर पर बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यह डिपार्टमेंट बिल्कुल सेम रखा गया है। 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग पहले की तरह टेक्नोस्पार्क 10 सी जैसे ही देखने को मिल जाती है और बॉक्स के अंदर 18 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे चीजों को काफी अपग्रेड किया गया है। पिछली बार टेक्नोस्पार्क 10 सीरीज में सिर्फ स्पार्क 10 सी ऐसा था जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं था बल्कि 13 या 16 मेगापिक्सल का कैमरा था। इस बार टेक्नोस्पार्क 20 सी जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन है इस सीरीज में, उसमें भी बैक साइड पे मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दूसरा AI लेंस है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सामने डुअल फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड की गई है। तो बैक साइड के कैमरा की रेजोल्यूशन को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आप बैक साइड पे 2K पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब टेक्नोस्पार्क 20 सी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने से पहले टेक्नोस्पार्क 20 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो जल्दी जल्दी आपको बता दूं, तो मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सेम उसमें भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन वहां पे फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जबकि टेक्नोस्पार्क 20 सी में 8 मेगापिक्सल का है, तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। और इस बार जो टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस है जो कि लीक्ड आर्टिकल्स में सामने आया है, उसमें मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और 256 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये दोनों जो स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 20 सी में 4GB 128GB और 8GB 128GB वाले दो वेरिएंट हैं, टेक्नोस्पार्क 20 में 8GB 128GB वाला एक ही वेरिएंट है। अब टेक्नोस्पार्क 20 सी के परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो P35 या G37 इन दोनों में से एक प्रोसेसर, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में वो है कुछ में वो है, ये प्रोवाइड किया गया है। दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, चाहे P35 प्रोवाइड किया जाए या G37, थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 13 के साथ, iOS वर्जन 13 के साथ आता है, तो लेटेस्ट सारी फीचर्स टेक्नोस्पार्क 20 सी में प्रोवाइड की गई हैं। और रैम रोम का मैंने आपको पहले बता दिया कि 4GB 128GB, 8GB 128GB वाले दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो प्राइस है 4 128GB वाले वेरियंट की, वो 25,000 PKR के आसपास होने वाली है। तो ये वाली सारी स्पेसिफिकेशन थी और टेक्नोस्पार्क 20 सीरीज में टेक्नोस्पार्क
20C, TechnoSpark 20 और TechnoSpark 20 Pro Plus की जो स्पेसिफिकेशंस फर्स्ट लुक गूगल के सामने आए हैं, मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसी के साथ इन्फिनिक्स की हॉट 40 सीरीज भी आ रही है और उसके फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 40 वाली मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी है कॉमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।